सबों को नमस्कार। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आज RTI के प्रयोग के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में बिहार में लागू हो चुका है, जिसका प्रयोग हम सभी को अवश्य करना चाहिए। सूचना के अधिकार RTI के तहत हम किसी भी कार्यालय में हो रहे काम के बारे में जानकारी मांग सकते हैं। मान के चलिए आप जानना चाहते हैं कि अंचल कार्यालय में किस किस का काम समय पर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, या प्रखंड कार्यालय में आपने जो आवेदन दिया था उस पर आप अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई है, या कहीं रोड बन रहा है तो उसकी क्वालिटी के बारे में भी आप पूछ सकते हैं कि इस रोड में किस किस मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है, उसकी मात्रा क्या है, उसकी जांच आप कर सकते हैं। जो अधिकार एक सांसद को होता है अपने क्षेत्र में जांच करने का अधिकार, वह अधिकार हम भारतवासियों को भी, प्रत्येक नागरिक को मिला हुआ है सूचना के अधिकार के तहत। क्योंकि हम जनता के पैसे से ही, जो हम लोग टैक्स देते हैं उस पैसे का ही उपयोग सरकार भिन्न भिन्न विकास क्षेत्रों में करते हैं, इसलिए हम सभी को जानने का अधिकार है कि हमारा जो टैक्स के रूप में पैसा सरकार के पास जमा है उसका उपयोग ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं, इसलिए हम सभी को इसका उपयोग अवश्य करना चाहिए। इससे हो रहे भ्रष्टाचार में कमी आएगी। पदाधिकारी को कुछ डर भय लगेगा कि काम सही समय पर करना चाहिए, सही ढंग से करना चाहिए, अच्छी क्वालिटी के तहत रोड बनाना चाहिए या पुल बनाना चाहिए या कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसकी हम लोग जांच कर सकते हैं। RTI के तहत बिहार सरकार की तरफ से 10 रुपये का शुल्क रखा गया है, जिसे हम कार्यालय में नगद भी जमा करा सकते हैं या पोस्टल ऑर्डर के तहत जमा करा सकते हैं, या 10 रुपये का नॉन जुडिशियली स्टाम्प के तहत भी जमा करा सकते हैं, या DD बना के भी आप जमा करा सकते हैं। इसके लिए प्रपत्र को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नियमावली 2006 में इसका वर्णन आया है, प्रपत्र को के हम लोग भरेंगे। सर्वप्रथम मैं कहना चाहता हूँ कि जिस कार्यालय के जो पदाधिकारी हैं वो स्वयं लोक सूचना पदाधिकारी भी हैं। जैसे अंचल कार्यालय के पदाधिकारी अंचलाधिकारी होते हैं, तो अंचल कार्यालय के लोक सूचना पदाधिकारी भी स्वयं अंचलाधिकारी होते हैं। इसी प्रकार प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने कार्यालय के लोक सूचना पदाधिकारी भी होते हैं। इसी प्रकार थाना स्तर के भी जो थानेदार हैं या थाना अध्यक्ष जिसे हम लोग कहते हैं, या थाना प्रभारी, वे स्वयं अपने थाना के लोक सूचना पदाधिकारी भी हैं। इसी प्रकार अन्य कार्यालयों के भी जो मुख्य पदाधिकारी हैं वो अपने कार्यालय के लोक सूचना पदाधिकारी भी हैं। बड़े बड़े कार्यालयों में किसी अन्य को भी भार दे दिया जाता है लोक सूचना पदाधिकारी का। इस प्रकार हम लोग आवेदन भर सकते हैं सेवा में लोक सूचना पदाधिकारी। जिस कार्यालय
को हम लोग भेजना चाहेंगे उसका नाम पता भरेंगे, सह अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी या थाना अध्यक्ष, जिस भी कार्यालय के जो हेड हैं उसको आप सह लगा करके भेज सकते हैं। इसका प्रयोग हम लोगों को अवश्य करना चाहिए, जिससे हम लोगों का काम भी सौसमय हो और भ्रष्टाचार में भी कमी आए। इसका उपयोग मैं कई बार करता आ रहा हूँ, उसका परिणाम अच्छा भी मिला है। यदि लोक सूचना पदाधिकारी सही समय पर सूचना नहीं प्रदान करता है तो उसके खिलाफ प्रत्येक दिन 250 रुपया की दर से या अधिकतम 25,000 रुपया लोक सूचना पदाधिकारी को फाइन भी लग सकता है। इस प्रकार इसका प्रयोग हम लोगों को करना चाहिए अपने अपने क्षेत्र में, या आप भारत के किसी भी क्षेत्र के हों वहाँ से भी आप किसी भी क्षेत्र का सूचना मांग सकते हैं। यह सूचना के अधिकार अधिनियम नियमावली 2006 में लिखा हुआ है। मान के चलिए हम लोग अभी मुंबई का किसी नगर के कार्यालय का सूचना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी मांग सकते हैं, और कोई मुंबई दिल्ली का व्यक्ति बिहार के किसी कार्यालय का सूचना मांगना चाहता है तो वो भी मांग सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। इस प्रकार हम सभी यदि मिलकर इसका प्रयोग करेंगे तो आशा है कि बहुत हद तक भ्रष्टाचार कार्यालयों में कम हो जाएगा और लोक सूचना पदाधिकारी सह कार्यालय प्रमुख सौ समय अपना काम ठीक ढंग से करेंगे। इस कारण इसका उपयोग हम सभी को अवश्य करना चाहिए। विशेष जानकारी के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद।